महाराष्ट्र में चुनावी बिगुल बजने के बाद कांग्रेस एनसीपी शरद पवार और शिवसेना यूबीडी के विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी में सीट बंटवारे की रस्साकशी भी चरम पर पहुंच गई है। शिवसेना यूबीडी सीटों की दावेदारी को लेकर कांग्रेस पर दोहरा दबाव बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता विधानसभा चुनाव में लोकसभा की तरह बहुत गुंजाइश देने की स्थिति बनेगी या नहीं, यानी महाविकास अघाड़ी में सीट बंटवारे को लेकर फंसा पेंच कब सुलझेगा, इसी मुद्दे पर देखें ये रिपोर्ट। महाविकास अघाड़ी में सीट बंटवारे का पेंच, सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस नेताओं में होड़, उद्धव सेना का कांग्रेस को अल्टीमेटम तो संजय राउत का यूटर्न, शरद पवार चुप क्यों? महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव 20 नवंबर को। महाराष्ट्र में इसी साल यानी कि 20 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बैठकों का दौर जारी है। मुख्य रूप से दो गठबंधन आमने सामने हैं। सूत्रों के मुताबिक महायुति के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर 260 सीटों पर सहमति बन गई है। 28 सीटों पर बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी के बीच दावे प्रतिदावे का मामला चल रहा है। वहीं सीट शेयरिंग को लेकर महाविकास अघाड़ी के घटक दलों के बीच रस्साकसी जारी है। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी के दलों के बीच 17 अक्टूबर को 9 घंटे तक मैराथन मंथन के बावजूद सीट बंटवारे का फाइनल फॉर्मूला सामने नहीं आ सका। वहीं सीट बंटवारे को लेकर उद्धव सेना और कांग्रेस आपस में भिड़ गए हैं। उद्धव सेना ने कांग्रेस को अल्टीमेटम दिया है। उद्धव ठाकरे के रूठने से कांग्रेस नेताओं में खलबली मच गई है। इसे लेकर महाराष्ट्र कांग्रेस चुनाव प्रभारी चेनीथला का भी बयान सामने आया है। सुनिए मीडिया से क्या बोले चेनीथला। ये बैठक हमारे सीनियर लीडर्स है, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर्स वगैरह है, उनको इधर ड्यूटी लगाया है हर डिविजन में, और लोग इधर आके करके काम शुरू करें, इसके लिए मीटिंग हो रहा है। शिव शहरी का बैठक उधर चल रहे, दो दिन के अंदर सब हो जाए। सीटों की गुत्थी सुलझाने का जिम्मा कांग्रेस हाईकमान पर। महाराष्ट्र की 288 सीटों में से करीब 250 सीटों पर महाविकास अघाड़ी गठबंधन में लगभग सहमति बन गई है, लेकिन 30 से 35 सीटों पर काफी खींचतान है, जिसकी गुत्थी सुलझाने का जिम्मा कांग्रेस हाईकमान पर आ गया है। हालांकि उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित करने का दबाव बना रही शिवसेना यूबीटी के सीटों की संख्या बढ़ाने की दोहरी दावेदारी को पार्टी स्वीकार करेगी, इसकी गुंजाइश नहीं है। हालांकि एमवीए में सीट शेयरिंग को लेकर अहम बैठक होनी है। सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि आज सीट शेयरिंग पर सहमति बन सकेगी। इस बीच कांग्रेस नेता नाना पटोले ने कहा कि देर रात तक सीट शेयरिंग पर फैसला आने की उम्मीद है। महाराष्ट्र स्टेट हेड मंगला वाघे की रिपोर्ट। पहली बात ऐसी है कि संजय राउत जी के नेता उद्धव ठाकरे जी है, हमारे नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जी और राहुल जी, और राष्ट्रवादी के नेता शरद पवार जी, जो हमारे टीम में हम लोग जो सीट शेयरिंग के मीटिंग जो कमेटी जो है उसमें ना शरद पवार जी रहते हैं, ना उद्धव जी रहते हैं, ना मल्लिकार्जुन खड़गे जी, ना राहुल जी रहते हैं। लेकिन हम लोग कमेटी जो बनी है उनके आदेश से बनी है, हमारे तीनों नेता के आदेश से बनी है। हमारी जवाबदारी है कि हमारे नेता को जो भी कुछ हुआ वो मालूम देना, हुआ हमारा अधिकार है, वो देना पड़ता है। संजय राउत उद्धव जी को रोल रोल करते होंगे तो उनका इश्यू है, हमें पता नहीं क्या है उनका, अगर वो ऐसा बोलते हैं तो। लेकिन हम हमारे नेताओं को हम वास्तविकता बताना ये हमारी जवाबदारी है, और वो हमने काम किया है। संजय राउत का काम, संजय राउत क्या कर रहे हैं, हमें संजय राउत के बारे में मुझे कुछ बोलना नहीं। हम कल चुनाव आयोग के जो यहाँ पे सीओ रहते हैं चोकलिंगम जी, कल उनके सामने हम गए थे महाविकास अघाड़ी करके, जिस तरह से वोटर लिस्ट में ही पाप करने का काम जो महाराष्ट्र में शुरू है उसके बारे में उनको अवगत कराया। पर हमारे पास अभी रिपोर्ट जो आई, हम अभी मुख्य चुनाव आयोग जो है उनको हम लोग अभी यहां से तीनों महाविकास अघाड़ी के सभी नेताओं के साइन करके हम लोग भेजने वाले हैं। लेकिन महाराष्ट्र में जो लोकशाही के गला घोटने का काम चुनाव आयोग और महाराष्ट्र के कुछ अधिकारी उसमें इन्वॉल्व हो चुके हैं, बीजेपी के इशारे पे बाहर के राज्यों के लोगों के नाम इन्वॉल्व करते, वहां का उनके आधार कार्ड लाए गए और जो ओरिजिनल वोटर्स है उनके नाम हटाए जाने का काम शुरू हो चुका है। कम से कम हर मतदान संघ में 10 से 15 हजार वोट इस तरह से कम करने का काम किया जा रहा है।
मैं चुनाव आयोग को आह्वान करता हूं। ये शाह फुले अम्बेडकर का महाराष्ट्र है। ये महाराष्ट्र में जिस तरह से लोकतांत्रिक व्यवस्था का गला घोटने का काम शुरू है, ये कदापि महाराष्ट्र की जनता सहन नहीं करेगी। आप झारखंड के डीजी को बदल सकते, वो आपका अधिकार है, लेकिन महाराष्ट्र की असंवैधानिक जो डीजी बैठी है, वो डीजी को हटाने का आपको अधिकार नहीं है, वो आपने प्रेस में कहा है। ये जो दो मुही बात आप लोग कर रहे हो, तो आप जिस तरह से पारदर्शिता की बात कर रहे थे, क्या तुम्हारे में पारदर्शिता है? क्या मोदी जी के कदमों में आप लोग बैठे हो? हमने भी टीएन शेषन को देखा था, उन्हें जिस तरह से लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए जिस तरह से काम किया था, वो आज भी यहाँ छोटा बच्चा भी टीएन शेषन का नाम जानता है। क्या आप टीएन शेषन जैसे आप भूमिका नहीं ले सकते हो? तो इसलिए चुनाव आयोग ने तुरंत महाराष्ट्र के ये जो लोकतांत्रिक व्यवस्था का जो गला घोटने का काम जो बीजेपी कर रही है, वो तुरंत रोकना चाहिए। मैं उदाहरण के लिए शिरडी विधानसभा की बात करता हूं। एक गांव में लोकसभा के चुनाव के बाद लोनी करके गांव है, 2844 वोट वो एक दिन में वहां पे बढ़ाए गए। कहां से लोग आए? वहां के ओरिजिनल वोट वहां से गायब करना और बाहर के लोगों के वोटिंग वहां पे जमा करना, इस तरह के पाप हर जगह चल रहे हैं। और इसलिए तुरंत महाराष्ट्र की सरकार तो अपने पापों से मरने वाली है, लेकिन ये महायुति की सरकार को बचाने के लिए अगर चुनाव आयोग उनको मदद करते हैं, तो कदापि महाराष्ट्र की जनता ये सहन नहीं करेंगे। हम पूरी ताकत के साथ महाराष्ट्र की जनता के साथ ये लड़ाई लड़ेंगे। समय है तो चुनाव आयोग के ऊपर पूरा मोर्चा लेके जाने की भूमिका भी हमारी रहेंगी। निर्वाचन आयोग की ओर से महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को लेकर तारीखों की घोषणा कर दी गई है। प्रदेश की सभी 288 सीटों पर एक ही चरण में 20 नवंबर को मतदान होगा, जबकि वोटों की गिनती 23 नवंबर को होगी। फिलहाल एमबीए की सीट शेयरिंग को लेकर फंसा पेच कब तक सुलझेगा, ये देखना होगा। फिलहाल रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए एमकेएन न्यूज। नमस्कार।